बुरहानपुर जिले के ग्राम हथनूर भटखेड़ा पुलिया पर मुरम से भरा हुआ डंपर पलट गया और जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कने बताया कि जब हादसा हुआ तब आसपास कोई मौजूद नहीं था, न था कोई बड़ा हादसा हो सकता था और जान की हानि भी हो सकती थी। तो ग्राम हथनूर से लगातार मुरम का अवैध खनन और परिवहन जिला प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। मुरम का भी अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है, जबकि जिले में एक भी मुरम की खदान आवंटित नहीं है। बावजूद इसके मुरम का अवैध खनन जिले में चल रहा है। अवैध खनन को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी चर्चा की गई। उन्होंने भी कहा कि यदि अवैध खनन चल रहा है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और अवैध खनन पर रोक लगाई जाएगी। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। ये सराहनीय काम थे 24 घंटे के अंदर जो बंदूकें वो भी वापस आ गए। भविष्य की सर दमनत्रण रोकने के लिए 2000 नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2021 के तहत, तो क्या मानते थे? नोटिफिकेशन जारी किया है, जब कानून बनता है किस चीज पे तो कार्रवाई होती, कानून का पालन हम सबको करना। जिले में धड़ल्ले से अवैध ले रहे तो खनन हो रहा है, उसको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे? रेत वालों पर कार्रवाई होगी अगर अवैध होगी तो।